मध्य प्रदेश के रीवा जिले के घुमा गांव से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां अशोक प्रजापति नाम के शख्स ने कर्ज की वजह से अपने पूरे परिवार के साथ जहर पी लिया, जिसमें पति, पत्नी और 14 साल की बेटी की मौत हो गई, जबकि एक बेटी अनीता और बेटा संदीप को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। अशोक प्रजापति गांव में ही मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था, उस पर काफी कर्ज था, इसी वजह से वो परेशान चल रहा था। पुलिस जांच कर रही है, विवेचना के बाद ही सब कारण पता चलेगा। इनके परिवार के लोग और कोई संयुक्त रहते थे कि अकेले? नहीं, अकेले रहते थे। अकेले रहते थे। विवाद हुआ की कोई जानकारी? कोई विवाद नहीं। ऐसी जानकारी आ रही थी कि अशोक ने पूरे परिवार को जहर मिली कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी, जिसके बाद पूरे परिवार की हालत खराब होने लगी। जब तक सबको अस्पताल पहुंचाया जाता, तब तक खुद अशोक, पत्नी और एक बच्ची की मौत हो गई थी। दो बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं।